हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम और आप सभी को स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हमारा किचन है जो कि पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, बस नीचे का भाग थोड़ा सा बाकी है। तो इसे हम लोग अभी मिट्टी डालकर बराबर करते हैं नीचे वाला भाग को। पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे रेक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी से दोस्तों इस तरह से हम लोग बना दिए हैं और काफी ज्यादा देखने में सुंदर लग रहे हैं ना। हम आपको कहने से थोड़ी ना होगा, हमारे YouTube चैनल बोलेंगे तब ना। जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो आप दोस्तों बताइएगा कि आप सबको कैसा लग रहा है, और खास करके दोस्तों अपने हाथों से बनाया हुआ सामान या घर हो या कोई सामान, हाँ कुछ भी, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सो दोस्तों देख सकते हैं बहुत मेहनत से दोस्तों इस चीज को बनाए हैं। और अभी दोस्तों नीचे वाला जो कि है ये नीतना है, इधर तो दोस्तों सारा कुछ हो गया, बाहर में भी दोस्तों हो गया। आप लोग दिखा देता हूँ, ये देखिए, और वहाँ पे वो वाला दिखा दीजिए, बाहर से भी दोस्तों यहाँ पे मिट्टी लगा करके इसे एकदम क्लीन कर दिया। हम ना मिट्टी को बराबर कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों गुड़िया जी जो कि इसे नीप पोत करके अच्छे से एकदम क्लीन कर देंगे। और विराट और चिकू जो कि इसी में खेल रहा है। इधर विराट अभी कहाँ जा रहे हो जी? आंगन में जा रहा है। अभी किचन में मिट्टी डालेंगे हम लोग, क्योंकि मिट्टी मतलब वहाँ पे मतलब चाहिए, गड्ढा ऊंचा नीचा है, इसलिए दोस्तों मिट्टी डालकर उसे बराबर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों गुड़िया जी नीप पोत देंगे। और ये दोस्तों मिट्टी जो कि फ्रेश है, पहले दोस्तों हम लोग ट्रैक्टर से जो कि गिरवा दिए थे ताकि बाद में दिक्कत ना हो, वही मिट्टी दोस्तों काम आ रहा है। तो करीब करीब दोस्तों मिट्टी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और दोस्तों मिट्टी है जो कि बाकी है। तो चलिए अभी दोस्तों यहाँ से मिट्टी लेके चलते हैं। बराबर में करना है, उसी के बराबर ना, हाँ उसी के बराबर में कर दीजिए। जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ वहाँ भर दीजिए, इधर बहुत ज्यादा गड्ढा है, हाँ बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम भर देते हैं फटाक से। ठीक, और उसके बाद आप निपाय पुताई कर देंगे गुड़िया जी दोस्तों। सो दोस्तों मिट्टी पूरी तरह से भर दिए हैं। अभी दोस्तों गुड़िया जी यहाँ पे मिट्टी को चूर दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पानी से थोड़ा सा मतलब पानी दे देंगे, दे देंगे और आज ही कल निप देंगे। नहीं, कल आज बैठा देंगे, कल निप देंगे, कल निप देंगे, कल निप करके अच्छा से कर देंगे। बाद में चूल्हा भी बना देंगे। तो अभी भादो है तो अभी तो नहीं बनाएंगे, आसिन में बनाएंगे। तो अभी 4-5 दिन भादो है, भादो में चूल्हा नहीं बनाया जाता है, तो आसिन में हम चूल्हा बनाएंगे, तो खाना बनाएंगे चूल्हे पे। तब तक ठंडी के समय भी आ जाएंगे, है ना? हाँ, तब तक ठंडी के समय आ जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, फिर से आप सबको दिखाना चाहूंगा। क्या चिको? ये देखिए चिको, कटोरी से मिट्टी है। हो गया, मिट्टी का काम हो गया। हेल्प क्या करेगा, ये पूरा खेलेगा मिट्टी में, पूरा गंदा हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही गुड़िया जी नहाए हैं और उसके बाद फिर ये गंदा हो जाएगा। दिन भर में 2-3 बार नहाना पड़ता है। हाँ जी, ए आंख में पूरा गया कुछ, इधर ए दिखा दिखा क्या हुआ, दिखा आंख, आंख दिखाओ। विराट ना दोस्तों अपने में दोस्तों बहुत ज्यादा दम मस्त रहता है, खेलते रहता है। और इधर चीकू भी है खुद से, है ना चीकू? हाँ खेलो यहीं पे, हमारी यूट्यूब फैमिली को बोल दो कि हम यहीं पे खेलते हैं। ए मिट्टी के कारण मिट्टी नहीं खाना है बाबू, इधर आ जाओ। ये चीकू अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खाने का मन कर रहा है? ठेकुआ मैदा वाला ना, जितिया में जो बनते हैं। जितिया में होली में आपको जब भी मन करे वो बना के खा सकते हैं, बना लीजिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो अभी हम इसे लाठी कर देते हैं पूरी तरह से बराबर, उसके बाद नहा लेते हैं, उसके बाद आप सामान ले आइएगा और हम बना लेंगे, ठेकुआ बनाएंगे। अभी इसमें दोस्तों पानी डाल करके और थोड़ा सा भुरकिया दें, कल बढ़िया से निपाई पोताई कर देंगे, है ना? कल बढ़िया से कीजिएगा, आज ये सब फूलने दीजिए और आज जो बनाने के लिए बोल रहे हैं वो बना लीजिए। ठेकुआ शाम भी हो रहे हैं, ज्यादा टाइम होगा, इसे छोड़ दीजिए फुलाने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा बराबर दिख रहे हैं। अभी हम लोग दोस्तों बारिश का वेट कर रहे हैं, बट बारिश हो ही नहीं रहा, होंगे दशहरा के आसपास, हाँ उसी के आसपास होंगे इतना ज्यादा ना कि एकदम बुखार लग जाएंगे दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा बहुत ज्यादा निकलने, बहुत देखने नहीं देंगे और हम लोग को दिक्कत होगा इसमें, अगर मतलब उड़ गया तो छत पिछले बार की तरह बांध दिए बढ़िया से। अच्छा कोई ठीक नहीं है, मतलब ऐसे तो हम लोग दोस्तों अपने हिसाब से अच्छे से कर दिए, बाकी दोस्तों ऊपर वाले की मर्जी, क्योंकि ऊपर वाले के बिना कुछ भी नहीं होता, चाहेंगे तो बचा भी सकते हैं और चाहेंगे तो उड़ा भी सकते हैं।
तो पानी दे दिए हैं मिट्टी पे, अब वो दोस्तों सुबह में ना उसे मतलब वहाँ पे बराबर करेंगे और निपाई पुताई करेंगे। और गुड़िया जी दोस्तों दोपहर में ही मतलब कपड़ा को वाश कर दिए थे। अभी दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है तो गुड़िया जी निहाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ठेकुआ बनाए जाएंगे। आप लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप सभी को वो भी देखने के लिए मिलेगा। और आज का मौसम दोस्तों हम देख सकते हैं बहुत ही मस्त किए हुए धूप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो दोस्तों गुड़िया जी जो कि अभी पूरी तरह से निहाओ अगर फ्रेश हो चुके हैं और अभी दोस्तों बनाएंगे ठेकुआ। बहुत लोग जानते होंगे दोस्तों ठेकुआ क्या होता है, अलग अलग तरह का दोस्तों नाम देते हैं उन्हें अलग अलग राज्य में, हमारे राज्य में दोस्तों ठेकुआ बोला जाता है। तो आज दोस्तों गुड़िया जी बनाएंगे और इनको दोस्तों खाने का मन किया था, बहुत दिन से बोल रहे थे क्या चिकू। और चिकू भी दोस्तों निहा हुआ करके फ्रेश हो गई है और विराट भी, हाँ देखिए वहाँ पे विराट भी दोस्तों निहा हुआ कर फ्रेश हो गया। तो अभी यहाँ पे गुड़िया जी निकालेंगे, इसी में है आटा, आटा निकालेंगे क्या इसमें से, चावल चावल एक पट्टी चढ़ा देते हैं चावल मतलब बनाएंगे ना खाने के लिए, चावल ही दोस्तों चढ़ा दें, सब्जी ठेकुआ तो ऐसे ही खाने के लिए गुड़िया जी को मन किया था। उसे भी मतलब कभी कभी मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है तो वो खा लेंगे है ना, है ना विराट, विराट भी खाए विराट मकई लेकर के खाने के लिए। अभी दोस्तों चावल जो कि धो दे रहे हैं और उसके बाद दोस्तों चढ़ा देंगे और एक तरफ दोस्तों बन जाएंगे ठेकुआ, एक तरफ दोस्तों चावल जो कि चढ़ा हुआ रहेगा। और आज का दोस्तों हमारे यहाँ का मौसम देख लीजिए इस तरह का, कुछ देर में दोस्तों रात हो जाएंगे है ना। और इधर किचन कुछ दिन में दोस्तों इसी में खाना बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइट वुट का व्यवस्था कर देंगे तो ओटा बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे दोस्तों रख दिए, जलाइए माचिस, माचिस यहाँ से गैस खोल देते हैं। चलिए इसे चढ़ा देते हैं, आटा जल्दी जल्दी गूंथ लीजिए ताकि मतलब रात होने से पहले ही बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी दोस्तों रिफाइन को ना थोड़ा सा हीट करेंगे गुड़िया जी आटा गूंथने के लिए, ताकि मतलब जो है ना खास्ता बने ठेकुआ, इसलिए अब मुलायम भी बने। हो गया इतना बहुत है, चलिए इसे दोस्तों गर्म कर देंगे, थोड़ा हीट होने देते हैं। रिफाइन तेल अच्छा लगता है कि नहीं है ना गिरी जी, खराब है ना, सस्ता वाला है वो, फॉर्चून वाला नहीं है, उसी की तरह गोल्ड जैसा दिख रहा है, सोना की तरह है ना। क्या चिको खाओगे ना ठेकुआ, तो मैदा इसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे है ना, इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे और ऑयल थोड़ा गर्म ऑयल से इसे हम सानेंगे। मैदा आधा केजी और इसमें थोड़ा सा आटा है जो कि मिक्स कर देंगे, कर लेते हैं ताकि मुलायम रहे और देखते हैं मुलायम बनता है या नहीं। गुड़िया जी बोले कि मुलायम बनेगा और देखते हैं दोस्तों कैसा बनता है, मुलायम बनता है कि काढ़ा बनता है वो तो बाद मुलायम ही बनेंगे, बाद में ही पता चलेगा ना। थोड़ा सा सोडा है जो कि डाल लेते हैं, एक चुटकी, एक चुटकी बहुत काफी है दोस्तों। अभी चीनी मिला दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए चीनी ले लिए और इसमें थोड़ा पानी डाल करके, इतना मीठा हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा आराम से, इसे पानी डालकर भूलने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा देर तक। उसके बाद इसी पानी को मिलाकर इसमें हम आटा को गूंथेंगे, तो अभी इसे भूलने देते हैं। चम्मच से हिलाइए, चम्मच नहीं है, कुकर में, कुकर में। चलिए अभी इसे दोस्तों हम मिलाते हैं अच्छे से, अब तक आगन में दोस्तों सानेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हीट पड़ रहे हैं गैस का और बाहर में एकदम ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा है। दोस्तों पूरी तरह से हम आटा गूंथ लिए हैं और देखिए आटा हम इस तरह से गूंथे हैं, एकदम एकदम मुलायम लग रहे हैं। और इसे अब हम लोइया बनाते हैं
और यहाँ पे कढ़ाई है जो कि चढ़ा रही है गर्म होने के लिए। तो फटाफट से अभी लोई बना लेते हैं और इस थाली को बनाएंगे, क्योंकि ठेकुआ बनाने वाला वो लकड़ी वाला सांचा नहीं है, थाली बनाएंगे का खाएगा इसलिए बोल रहा है। खाओगे? खाएगा। बैठो बैठो, आराम से मिलेगा। देखो किस तरह से बनते हैं, तुम लोग देखो क्या बाप बाप हल्ला कर रहा है जी, उतरने के लिए कर रहा है, देखो कैसे उतरता है जी। क्या? हाँ बनेगा। लौकी से खेलो विराट, तुमको लौकी दिए ना खेलने के लिए। हाँ तो जाओ खेलो। बहुत ही दोस्तों ये लोग मन लगाते रहते हैं, दोनों बच्चे मन लगाते हो ना तुम लोग। अभी बनना स्टार्ट हो गया है, इस तरह से बनाइएगा। हाँ, सांचा है ही नहीं है तो। बहुत ही मस्त दिख रहे हैं जी, गोल गोल नहीं है, गोल गोल नहीं है, फिर भी मतलब फटा हुआ थोड़ा सा रहेगा ना। हम बनाते हैं अभी, हम भी जल्दी जल्दी ठेकुआ बना देते हैं, ताकि मतलब छानने में मतलब बहुत ही आसानी हो और जल्द दोस्तों बन जाएंगे, क्योंकि सब्जी भी बनाने, चावल बस बने हैं। क्या तुम भी बनाओगी? तुम मत बनाओ, हम और मम्मी बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम ये भैया जी को हेल्प कर देते हैं बनाने में। अभी तेल है जो कि हीट हो गए हैं, तो इतने सारे ही बने हैं, तो और इसमें से कम आंच में पकाएंगे, ज्यादा तेज आंच में नहीं। ए, ये मेरा ले ले रहा है, ऐसे खाओगे? लो लो खाओ। डालते गरम हो गया, देखिए थोड़ा सा डाल करके देख लिए। तो अभी दोस्तों ठेकुआ छनाएंगे और देखते हैं दोस्तों कि कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है या नहीं। गुड़िया जी बोल रहे थे कि सॉफ्ट बन जाएंगे, क्या चीको नहीं। तो अभी इसमें डाल दिए सारे ठेकुओं के, और फिर से दोस्तों बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाली हो गया है अभी थाली, तो जल्द जल्द बनाना पड़ेगा। ताली मारो, ताली मारो, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। ताली मारो बेटा, जल्दी जल्दी बन जाएंगे ठेकुआ, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, इसलिए तुम ताली मारो, दोनों मारो। तो दोस्तों अभी पलट करके देखते हैं कि ये हुए हैं या नहीं एक तरफ। सो दोस्तों एक तरफ हो गए हैं, अभी देख सकते थोड़ा लग भी गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और धीमा आंच कर दीजिए। तेज आँच में जब अच्छा नहीं बनेगा, जल जाएगा, सीझ भी नहीं पाएंगे, बस जल जाता है, सिस्ता नहीं है अच्छे तरीके से, बस जल जाता है। और देखने में लगेगा कि मतलब पक गया है अच्छे तरीके से, बस पकता नहीं है, जल जाता है। तो अभी दोस्तों हमारा जो कि ठेकुआ बन गया है, आप लोग देख सकते हैं, और देखते हैं दोस्तों ये सॉफ्ट बने हैं या नहीं, ऐसे तो देखने ठंडा होने के बाद पता चलेगा ना। ओके चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसे, और दूसरा घानी जो कि है अभी डाल दिए हैं दोस्तों। अभी पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे बन चुके हैं ठेकुआ, ये देखिए दोस्तों किस तरह का है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक ठेकुआ है जो कि आप सभी को कैसे लग रहे हैं। है चिको, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, है चिको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और देखिएगा हम सॉफ्ट होंगे, तोड़ के देखिए तो कैसा है, अभी गर्म है, थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप सभी को तोड़ करके दिखाते हैं कि ठेकुआ है जो कैसा बना है। दोस्तों पंखा चालू कर दें, हवा खाओगे, अच्छा ठंडा हो जाएंगे ना, इसीलिए बोल रही चीकू दोस्तों कि ठंडा हो जाएंगे जल्दी से, तब तक मतलब मैं खाऊंगा, मतलब मैं खाऊंगी, है ना विराट, तुम भी खाओगे? हाँ पंखा चालू कर देते हैं, फैन चालू कर देते हैं, चलो लो चालू हो गए फैन चालू हो गए। लोग पूरी तरह से तो बना लिए हैं, और अब दोस्तों इसे ठंडा भी हम लोग कर दिए, और अभी दोस्तों आप सभी को तोड़ करके दिखा देंगे कि खास्ता बने हैं या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा खास्ता बने, देखिए इस तरह से टूट जाते हैं, ये बुकनी हो जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा बुकनी हो जा रहे हैं, है ना। हाँ। ये देखिए, और दोस्तों बहुत ही एकदम प्यारे प्यारे जो कि ठेकुआ बनाए हैं भैया जी। तो कभी कभी दोस्तों खाना भी खत्म हो जाएगा ना, तो इसे खा लेंगे। हाँ। दोपहर उपहर में दो तीन दिन खाएंगे। हाँ। और सुबह में बनाने के लिए लौकी लाए, तो जिन जिन लोगों को खाना है इसी में से दोस्तों हमारे यूट्यूब फैमिली आप लोग खा लीजिए, बहुत ही दोस्तों टेस्टी बने हुए हैं, तो है ना, हम पहले ही दोस्तों खा लिए थे, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे इस वीडियो को देख लाइक, क्या
हाँ रख दो। जो लोग दोस्तों चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो आप लोग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।